स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? ए राजीव भवन, बी गणतंत्र मंडप, सी दरबार हॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी गणतंत्र मंडप। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 27 जुलाई। आंसर सी 26 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? ए 50, बी 58, सी 60, डी 62। आंसर डी 62। एक्सप्लेनेशन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की शाख बढ़ी है और अब इस वजह से भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सहित दुनिया को 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के पासपोर्ट्स की लिस्ट में भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों को अब 28 देशों में और पाकिस्तानियों को महज 34 देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शेखर कपूर, बी अनुराग कश्यप, सी करण जौहर, डी जोया अख्तर। आंसर ए शेखर कपूर। एक्सप्लेनेशन, प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। अगला प्रश्न, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? ए रेगिस्तानी तूफान, बी कोबरा गोल, सी खान क्वेस्ट, डी लाल झंडा। आंसर सी खान क्वेस्ट। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलानबटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान वर्ष इसका 21वां संस्करण है।